मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। इसका नियम हेनरी मोसले ने दिया था, जैसा कि आपको मैंने कल की क्लास में बता दिए हैं। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का जो नियम है वो ये है, मोसले ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी तत्वों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके गुण जो होते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ वो चेंज भी होते हैं, और एक निश्चित दूरी के बाद वो फिर क्या होने लगते हैं, रिवाइज होने लगते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इस कारण से एक क्या बन जाता है, एक निश्चित ग्रुप बन जाता है, समान समूह वाले एलिमेंट, समान यानी समान गुणों वाले एलिमेंट समान ग्रुप में, समान समूहों में आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि पीरियोडिक टेबल को याद रखना है, उसका उपयोग करना है, और पूरी केमिस्ट्री में इसका फायदा है। आपने कई बार सुने होंगे, जिन बच्चों को पीरियड टेबल याद नहीं रहता है उन्हें केमिस्ट्री नहीं आती है। ये 100% सही है, इनका हर जगह पे यूज होने वाला है आज जो मैं बताऊंगा। इसलिए आज के इस क्लास को किसी भी हाल में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इसको पकड़ लेना है। वो तो अलग बात है कि क्वेश्चन आएगा कि पीरियड टेबल का नियम क्या है, हेनरी मोसले का नियम क्या है, ये अलग बात है। इसको रट्टा मार के आप कोई भी बच्चा लिख देता है, और लिखना भी चाहिए, लेकिन पीरियड टेबल को सही तरह से सीखना और समझना एक अलग पार्ट होता है, और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बातचीत होगी। और ये क्लास जो अभी जो चल रहा है, कौन सा पीरियड टेबल आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। पीरियड टेबल को ड्रॉ किया था बोर ने, निल्स बोर ने, ठीक है, बल्कि इसका नियम किसने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था। ड्रॉ किया था निल्स बोर ने, किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम थ्योरी के बेस पर, यानी कि 1s2 2s2 2p6 वाला, यानी 1s 2s 2p 3s, इस बेस पर इनको क्या किया था, उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया था। तो ये कैसे हुआ है, आपको बनाने में कोई तकलीफ ना हो तो मैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करूंगा, मेरे साथ उतनी स्पीड में काम करना जितनी स्पीड में मैं करूंगा, मतलब देखते नहीं रहना दोस्त ने कॉपी दी, दोस्त की कॉपी देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, माइंड कॉन्सेंट्रेट रखिए, बस मुझे सुन रहे हो ना, दोस्त को ना सुनो तो अपने आप होगा। आप लोगों को कहूंगा वीडियो पॉज ना करें आज, क्योंकि पॉज करने वाली मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं आज का, बिल्कुल मेरे साथ होके चलेंगे और फास्ट चलेंगे, ओके। तो चलिए जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा कॉन्सेंट्रेट रहिए और करते जाइएगा। तो सबसे पहले क्या सोचना है, तैयार हो गए, अलर्ट हो गए, कॉपी पेन सब तैयार है आपका, चलो। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे, ओके? उसके बाद उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो फील करेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर सबका लिखेंगे, फिर उसके बाद बता देता हूं, उसके बाद उनकी वैलेंसी बताएंगे, उनके बाद आपस में रिएक्शन कराएंगे, है ना, और उसमें एलिमेंट जो फील हुआ है वो कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलाइड है, वो भी बताएंगे, और इनके साथ जो वैलेंसीज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे हम उसको शो कर सकते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। और ये कितने आज होगा कि कल होगा ये बात अलग है, और साथ में ये बताएंगे कि पीरियड टेबल को आप याद कैसे कर सकते हो। पीरियड टेबल ड्रॉ करना बड़ी चीज नहीं है, उसे याद रखना बड़ी चीज है। तो हर बात एक एक करके करते जाएंगे, हो सकता है आज और कल में ये पूरा हो, यस। तो आप सोचोगे कल जब आओगे तो आप सोचोगे ये पीरियड थोड़ी सी, ये जो लेक्चर क्लास है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है, यस, यानी दो दिन नहीं बैठ रहे, एक ही दिन बैठ रहे हो सोचोगे, ओके। चलो ये सब बात हो गई, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखें पीरियड टेबल जैसा बना हुआ है, आप देखे होंगे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की तरह दिखती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है वो, यस, तो बिल्कुल वैसा ही है मान लो। बस इसमें ध्यान रखना कि एक देखो शुरुआत यहां से करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे, नीचे छोड़ देंगे, जगह होनी चाहिए ऊपर नीचे दोनों की तरफ। अब समझना है कि इस साइड कॉपी को आड़ी कर लो, ऐसे ऐसे खड़ी मत रखो, आड़ी कर लो, आसान हो जाएगा काम करना, ओके, और उसमें लाइनें बनी हुई तो टेंशन नहीं है। तो इस साइड ऊपर छोड़ने के बाद इस साइड आपने जो लाइनें है ना बेटा, उसमें लाइनें कैसी बनी हुई आपकी कॉपी में, ऐसे ऐसे से बनी हुई नहीं, तो उसी पर ऐसे लाइन खींच लो और बॉक्स बना लो 7 times, 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी करोगे टाइम बर्बाद नहीं करोगे।
मैंने ये क्लास कई बार बता दी है, कई स्टूडेंट जानते हैं ये क्लासेस, और ये मैं आज रिवीजन क्लास रिवाइज के तौर पे भी दे रहा हूँ, और एक पहला क्लास भी मान के चलो, जो बच्चे नहीं किए उनके लिए पहली क्लास है, जो बच्चे कर चुके हैं वो रिवीजन कर रहे हैं। तो चलो ये हो गया। तो ये देखो ये फर्स्ट ग्रुप है। हेलो, ध्यान रखो ऐसे जब देखोगे ना उसमें नंबर लिखा हुआ तो ये ग्रुप है। ये ऊपर से नीचे जो कॉलम बनेगा ये कॉलम को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप कहते हैं। ये तो ग्रुप है। ऐसे हमारे पास 18 ग्रुप आएगा, कितना आएगा 18 ग्रुप आएगा। और ऐसे जब देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे देखने पर इसे क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने आवर्त हैं देखो तो 7 1 2 3 4 5 6 7 ये है पीरियड आवर्त। अब हम 18 ग्रुप बनाएंगे, हमने कितना पीरियड बना लिए, 7 पीरियड बना लिए, 7 पीरियड। ऐसे आप आगे बढ़ेगा ये। अब हर एक पीरियड में हम उसके किसको जोड़ने लगेंगे, अब ग्रुप को जोड़ेंगे। ओके बेटा, किसी बच्चे को तकलीफ रहता है कि सर किसको पीरियड बोलते हैं किसको ग्रुप बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं समूह या बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं आवर्त। ठीक है, क्लियर है, चलो उसको मिटा देता हूं। देखो अब दूसरा ग्रुप जो होगा ना दूसरे आवर्त से शुरू होगा, एक ऊपर छोड़ने के बाद फिर ऐसे कर लो और इसको मिला दो फटाफट, क्या करो जो सुनते हो बस उसको क्या करो। चलो हो गया, टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम लगाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, हो गया, जो बोल रहा हूं उसको सुना करो, देख के करोगे तो गलती करोगे। मैं जो बोलता हूं उसको नहीं सुनते हो, यही प्रॉब्लम है, बस अपने ही बोलते रहते हो। आदमी दो लोगों का सुनता, या तो खुद का सुनता है या दूसरों का सुनता है, इसमें स्विचिंग करने आनी चाहिए, समझ रहे हो। अभी मुझे उनका सुनना है और काम करना है, अभी मेरा खुद का सुनना है और काम करना है, दो बात हुई है ना, इधर से इधर स्विच खिसका लिया करो। अभी मेरे को खुद का सुनना है, अभी मेरे को उनका सुनना है, काम करना है। काम तो खुद ही को करना है, ऐसा नहीं मैं उनका सुनूंगा उनसे काम कराऊंगा, वो अलग मैटर है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट के दो चीजें मिलनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, स्विचिंग करो, सर का सुनना है काम करना, ये वाले थ्योरी पे आ जाओ, क्या है सुनो और काम करो। तो क्या हुआ, सेकंड ग्रुप जो है सेकंड से स्टार्ट हो रहा है बेटा, बोलो ये ग्रुप है सेकंड। थर्ड ग्रुप जो है ना वो स्टार्ट होता है कहां से, फोर से। तो ये फोर से स्टार्ट होगा और बहुत सारे ग्रुप बनेंगे, कितने बनेंगे 10 ग्रुप बनेंगे यहां पर, तो इसको मैं 10 ग्रुप तक ले जाऊं। चलो आगे बढ़ा दो, इसको कॉलम को आगे बढ़ा दो, सॉरी ये पीरियड को आगे बढ़ा दो, ये लाइनें आगे बढ़ा दो, कितने तक आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा दो कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ा दो कुछ नहीं होता है, कहीं नहीं जाएगा, बढ़ा दो जहां तक बढ़ाने का मन कर रहा है, क्योंकि वैसे भी 18 कॉलम बनने वाला है उस जगह पे, 18 बनने वाला है ना, ध्यान रखना पूरा मिला के 18 बनने वाला है। चलो हो गया, मैं ये बनाने के बाद ड्रॉ करने के बाद बोलूंगा, आप मुझे ड्रॉ करके दिखाओगे बिना देखे, और सीधे नाक के सीत में देखना है, हाँ मतलब अपनी कॉपी की तरफ। चलो हो गया, अब कितना करना बेटा इसमें, 10, 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप आएंगे, 10 बार खाने बनेंगे, 10 बार कॉलम बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम बने, जल्दी से ड्रॉ करें। हो गया, ये जो 10 कॉलम बने हैं इसको नंबरिंग कर देते हैं। चलिए 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया सबका। चलिए ये हो गया, अब इसके बाद बेटा देखो जो 13वां ग्रुप है ना, हेलो ध्यान दो, 13वां ग्रुप है ना फिर इसको कॉपी करेगा, मतलब कहां से आएगा, सेकेंड पीरियड से।
तो दो खाने ऊपर चला गया, दो पीरियड ऊपर चला गया, ये लीजिए, ये लीजिए। तो कहां से हो गया, ये देखो, इनसे ये सीधे चलेगा और ये तीसरा, तो सेकंड और थर्ड में आ जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप किस में आ रहा है, पहले से पैसे पहले पीरियड से आ रहा है, देखो ध्यान दो। सेकंड ग्रुप कहां से आ रहा है, सेकंड पीरियड से आ रहा है। थर्ड से लेकर के ट्वेल्थ तक किस में आ रहा है, दस ग्रुप टोटल कितने आ रहे हैं इसमें, फोर से आ रहे हैं और उसके बाद फिर से टू से, तो टू से आ रहा है, तो कितना ग्रुप आएगा इसमें, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ये सिक्स ग्रुप। ये हो गया, और जो लास्ट है ना बेटा उसी का, हेलो कितने हुए बताओ, सिक्स हुए, चलो कर लो पहले। इनका नाम क्या होगा बोलो, इसका नाम क्या होगा, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। अच्छा अब ये जो 18 है बेटा, 18 जो है ना डेड नहीं होगा, एक ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और ये हो गया 18। मैंने कहा मुझे सुनो और काम करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं सारे स्टूडेंट को ये कहूंगा कि मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, क्या आप इसे दोबारा बहुत फास्ट बना सकते हैं बिना किसी मदद के, किसी चीज को देखे बगैर, बोलो यस, तो ये आपका सक्सेस होगा। चलो एक बार ट्राई करो बिना देखे, किसी का भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना उधर भी नहीं देखना, बस फटाफट बनाओ बिना सोचे, बिना सोचे फटाफट, ओके चलो जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। कितना टाइम लगता है, जो सबसे पहले बनाएंगे वो मुझे बताएंगे अपना हाथ ऊपर करके कि मेरा बन गया। वीडियो चलने दीजिएगा, पॉज बिल्कुल नहीं करिएगा, मैं बिल्कुल इसको काटने वाला नहीं हूं। देखते हैं आप लोग पहले बनाते हो कि हमारा स्टूडेंट जो यहां पे बैठे हुए, आप भी हमारे ही हो, लेकिन ये यहां पे बैठा है इसलिए हमारे यहां का बोल दिया मैंने, हमारा बोल दिया, आप भी हमारे ही हो। चलिए फटाफट बन रहा है, बहुत जल्दी बन रहा है, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, उनका नाम मैं लेने वाला हूं, जल्दी करिए। बन गया, नाम बता बेटा, पायल, पायल पूरा नाम, पायल, पायल खरे और पूर्वा साहू, दो बच्चों ने फर्स्ट सबसे पहले बनाए हैं, हाँ तुमने बन गया, नाम बता, तोमेश्वरी साहू, चलो तीन बच्चों ने लीड कर दिए हैं। अब इसके बाद कितने बच्चों का बचा हुआ, इसके बताते जाओ, नाम बोलते जाऊंगा, बन गया, बोलते जा, नाम बोलते जा, ओम प्रकाश, पीयूष, उपेश, आदित्य सिंह देवांगन, है ना, आदित्य सिंह देवांगन, और त्वर खिलेश और वोमेंद्र, यस बन रहा है, बन रहा है, बताते जाओ जल्दी, हाँ वेणु 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 गुप्ता, गजपाल, हाँ लीना, नीली, क्या निधि, निधि निधि, ओके ओके निधि, श्रेया घोषाल, और सिद्धार्थ, दीपक, सानित्य, वेरी गुड, तुकेश्वरी साहू, अपना नाम सुन लेना कल, अब सबका बन गया, सबका नाम सुन लेना, ओके तो चलिए सबने बना लिए हैं, ये ड्रॉ कर सकते हो बिना देखे, जब इतना काम कर सकते हो तो ये भी समझ जाओ कि देखो ये कैसा है बना बेटा, देखो ध्यान से देखो। और हां एक और बातें बता दूं, इसके नीचे भी 14 ये ऐसे दो लाइनें बना सकते हैं, दो रो बना सकते हैं, रो यानी क्या बोलते हैं इसको, रो को हिंदी में क्या बोलते हैं,
जो भी बोलते हैं, पंक्ति, दो पंक्तियां, इसमें दो पंक्तियां हैं, इसमें 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ओके, तो 14 ग्रुप हैं, वैसे ग्रुप तो एक ही माना जाता है, 14 कॉलम है, ठीक है। अब ये क्या चीज है बताते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, यस, और जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लास से आप देख लीजिएगा, यहां पर मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूं। अब फिलहाल देखें तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, यहां पर देखिएगा, इसमें ये जो दोनों है, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एस में भरेगा, तो इस जगह पर जो भी एलिमेंट मिलेगा उसके लास्ट में मिलेगा S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके वाले में मिलेगा S2 मिलेगा, यहां जाते हैं इसमें मिलेगा P1 P2 P3 P4 P5 और ये P6 मिलेगा। इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट है उसमें क्या मिलेगा, P6 मिलेगा। बस इसको छोड़ करके ये जो यहां पर हीलियम है, हीलियम को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर रखा जाए तो उनकी स्थिति यहां पे होनी चाहिए, देख रहे हैं। लेकिन ये इनर्ट गैस है, अक्री गैस है, इसलिए हमने इस जगह पर इनके साथ इनकी नेचर ज्यादा मिलती, इसलिए हमने यहां पर इनको रखा है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आता है यहां पर देखें, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा, इसीलिए अब देखो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इनके अपने, ठीक है। अब ये जो है वो F से होगा, F1 से F14 तक, यस। अब क्या पता चला, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, इस एलिमेंट्स के S ऑर्बिटल में भरते हैं, इसलिए इस एलिमेंट्स को कहा जाता है S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा जाएगा इसे, S ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक तत्व। ये P में भरते हैं इनके एलिमेंट, इनके इलेक्ट्रॉनिक सॉरी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, P ऑर्बिटल में भरते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को जो इसमें आने वाला है इनको कहा जाएगा P ब्लॉक एलिमेंट, सही है। और जो बीच वाला है, ये वाला डी में जिसमें भरते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, अगर डी कक्षक में भर रहा है तो इस एलिमेंट को कहा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हुआ। हम यहां पर ध्यान दें इस बात पे, हेलो, यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर लिखना है इस ग्रुप के एलिमेंट के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दें, NS1, N मतलब हुआ ये पीरियड, अब समझाई, तो इसका मतलब NS1 क्या मतलब हुआ, NS1 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस जगह के किसी एलिमेंट की बात करूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो N की वैल्यू 3, S की वैल्यू, S पर इलेक्ट्रॉन कितना है, S होगा और 1 होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं किसी भी जगह की बात करूं, चलो मैं इस जगह की बात करता हूं, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं तो क्या होगा, तो देखो ये कहां से है, 5, चलिए 5 हो गया, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह जा रही है, P3, तो 5P3 इस जगह पर जो एलिमेंट आएगा उसके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा, यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इस तरह से भरा जाएगा 5P3, बस में आ रही है। मतलब पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही बना हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो यहां पर हम यहां पर कह सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 2 2, S1 S2, इसके लिए क्या होगा, NS, S में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही P में भरता है, तो क्या होगा, NS2 NP 1 2 6, P ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या ये इसके लिए क्या होगा जरा समझेंगे, ये होगा एन एस वन सॉरी जीरो वन टू, कभी कभार किसी जगह पर वन भी हो जाता है, वो अपवाद स्वरूप होता है, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं जरूर। एन माइनस वन डी वन टू टेन, चाहे तो लिख सकते हो एन एस टू, एस में दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसमें भरेगा, और यहां पे लिख सकते हो एन माइनस वन। अब ये एन माइनस वन मतलब क्या हुआ जरा समझेंगे, जैसे इस जगह का कोई एलिमेंट है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी फाइव तो होगा, डी फाइव होगा, लेकिन डी फाइव इधर इधर चेक करो, एन की वैल्यू फाइव तो फाइव माइनस वन फोर, तो होगा फोर डी फाइव होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर मतलब फोर एस कितना फाइव, फाइव एस टू फोर डी कितना होगा फाइव, फाइव क्यों डी फाइव में, अब समझ में आ गई बातें, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, आप सिर्फ ये मत सोचो ना कि जो रटते हैं ना बेटा पेरिटेबल, लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, या हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम फ्रांसिप ऐसे रट्टा जाता है ना, उसको नहीं बोलते पेरिटेबल रट्टा मारना, तो लोग उसी को सोचते हो ना, उसी को नहीं कहते, वो उसको कहते हैं, पर ये होता है, आप समझ में आई, ये होता है, ये जानकारी जरूरी है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया सबका, कल के डेट में प्रश्न आएगा, उस दिन मुझसे किसी बच्चे ने पूछा सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूछे कि नहीं पूछे, अंतर संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इतना काहे रट्टा मार लेते हो यार हिंदी में, कल के डेट में पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ोगे धज्जी हो जाएगी तुम्हारी, तो जो कुछ जो शब्द है इंग्लिश में उसको इंग्लिश में रहने दो ना, हिंदी में बोलो ना जैसे मैं बोलता हूं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, समझ मेरी बातें। तो चलिए, तो क्या हुआ, ये है अंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एन एस टू एन माइनस वन डी वन टू सॉरी जीरो जीरो वन जीरो या वन ऐसे भरता है, कुछ अपवाद अपवाद मिलता है, फिर होता है एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन, सिंपल सा अगर बोले तो ऐसे बोल सकते हैं एन एस टू एन माइनस टू एफ एक से चौदह, ठीक है इस तरह से बोला जा सकता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने पहचाना, बताओ बेटा इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहे आपने, क्योंकि इस एलिमेंट के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरता है, पी कक्षक में भरता है। मैं आपको एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूं, चलो कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, ये देखो नाना पापा असलम सब बीमार याद कियो कि नहीं कियो, चलो ये इसको देख लेते हैं हम, इसमें अभी क्या बोल रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये है थ्री पी थ्री, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा थ्री पी थ्री, तो थ्री एस टू थ्री पी थ्री, एस में पहले भरता है ना, तो वो तो थ्री एस टू फिक्स है, देख लो एस टू एन एस टू ये फिक्स है, तो उसके बाद इसमें भरते हुए नजर आ रहा है पी थ्री, यस। तो ये होगा कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री, देख लो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थ्री पी थ्री आया ना, ऐसे ही आएगा सब में आएगा जहां पे करोगे। सोडियम के बारे में जानते हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, चलो उसको भी चेक करा देता हूं, लिखना नहीं जानते हैं आप इसको, चलिए आगे चलते हैं, कितना वन सोडियम है ली ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो क्या होगा जरा देखें, 11 के लिए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन थ्री एस वन, चेक कर लो थ्री एस वन हो गया, नहीं हुआ एन एस लिखते हो गया नहीं लिखते थ्री एस वन हो गया, तो कहीं से भी उंगली रखो यार पीरियोडिक टेबल पता है यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पता है आपको, ठीक है बेटा। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए इसको करते हैं, बस ये पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल बना किस बेस पे है, ओके क्लियर हो गया।
अब दूसरी बात यह है कि मैं इसमें जो जो एलिमेंट से मैं फिल कर देता हूं, भर देता हूं, भर दूं। यदि आप जेईई आईआईटी एस्पिरेंट हैं या 11th और 12th में हैं और आगे जाकर के जेईई आईआईटी का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया है, मेलवाइनो ऐप। ये लगभग 10 बुक जो काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए रखा गया है। तो बहुत सारे बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बुक्स के साथ आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जेईई एग्जाम्स के लिए काफी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और कैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें ये हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐप है मेलवेनो ऐप। मेलवेनो ऐप में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स जो सफल हैं, उन बच्चों का एक्सपीरियंस इन क्वेश्चंस के साथ छुपा हुआ है, इस ऐप में छुपा हुआ है। उन स्टूडेंट्स की तरह आप भी सक्सेस हो सकते हैं, वह सक्सेस आपके हाथों में भी आ सकता है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। तो आपने ये जो देखा है, ये ग्रुप है खड़ी कॉलम के रूप में, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप है ना, इस तरह से ये 13 ग्रुप जो भी है ये ग्रुप हुआ। नहीं, पीरियड कितने हुए? 7। ग्रुप कितने हुए? 18। ग्रुप कितने हुए? 18। ये देखा है, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 18 ग्रुप है। तो टोटल ग्रुप यहां पर कितना नजर आ रहा है? ग्रुप नजर आ रहा है 18, और पीरियड कितने नजर आ रहे हैं बोलो? 7। छोटी सी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज वगैरह में छोटे छोटे जनरल एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, आप बता सकते हैं। अब चलो, हम ग्रुप्स को कुछ इस तरह से देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आपको? इसको IUPAC के बेस पर नंबरिंग किया गया है। पहले जो मेंडेलिफ ने वर्गीकरण किया था, उसमें जो ग्रुप है उसको अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बेस पर किया था उसने। तो इसने लिखा हुआ था, रोमन नंबर से था। तो ओल्ड सिस्टम में ग्रुप क्या है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो था कुछ इस तरह से। ये जो ग्रुप है इसको बोला गया एस और पी ब्लॉक में चलते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले जो ग्रुप थे उनको सब ग्रुप में बांटा गया था, उप समूह में बांटा गया था। तो देखो, एस और पी वाले को ए उप ग्रुप कहा गया था, ए सब ग्रुप, और डी वाले को कहा गया था बी सब ग्रुप। क्लियर है? ए और बी, तो ए में कौन कौन आएगा? एस पी ब्लॉक एलिमेंट, और डी वाला कौन सा आएगा? बी में। तो चलो चेक करते हैं। तो ये होगा फर्स्ट, ये है, ये बोलेंगे इसको रोमन नंबर पर ए, तो ए ग्रुप, और ये कहलाएगा सेकंड बी ग्रुप, सॉरी सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। और ये वाला जो होगा वो होगा थर्ड ए ग्रुप, क्योंकि उसी का कंटिन्यू हो रहा है। एस और पी वाले क्या चीज है? ए है ना, तो ये कौन सा होगा बेटा बोलो? 4A रोमन में ना, 4A, 5A, 6A, 7A, और होगा 8A। इसको आज के डेट में जीरो ग्रुप कहा जाता है। जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब बी उपग्रुप कौन सा होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो कौन सा होगा बताओ जल्दी से। देखो 1 2 3, ये 3 होगा पर थर्ड बी होगा, तो 1 और 2 बी कहां है? तो 1 बी उधर से स्टार्ट होगा, 2 बी 1 बी, ये होगा 1 बी 2 बी। अब बहुत सारे बच्चे तुरंत क्वेश्चन करते हैं, सर क्यों क्यों बताऊं, क्यों बताऊंगा तो ये बताना भूल जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि वो चीज क्यों का जवाब आपको पेरिटेबल ही देगा, आगे जाके मैं ही दूंगा आपको, पर अभी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, क्यों में मत फंसिए। इसको पहला बोलते हैं, पहला भी बोलते हैं, इसको दूसरा भी बोलते हैं, और इसको तीसरा भी, फिर ये होगा चौथा भी, 4B, 5B, देखते जाइएगा कुछ गड़बड़ होने वाला है, 6B,
7B और ये जो 3 ठो है ना, इसको एक साथ तिकड़ी माना जाता है, ट्रिपल माना जाता है, 8B ग्रुप माना जाता है। मुझे लगता है कि याद हो गया होगा, मैं जो पढ़ाता हूं मुझे लगता है कि आप याद कर रहे हो, समझ रहे हो, और घर में जाके बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट याद रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी करो। बेटा जी आपको बताएं, मैं अभी एलिमेंट फिल कर रहा हूं, भर रहा हूं, आपको करना क्या है, उसे याद करना है कि कैसे भरना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको भर के दिखा देता हूं और फिर इसके बाद आपको याद करवाऊंगा, चलेगा? तो चलिए, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को ऐसे कॉलम में ग्रुप वाइज याद करना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐसे पीरियड वाइज याद करना, जिसको सीरीज कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो हम यहां पर दिखाते हैं। इतने एलिमेंट्स को याद रखना है, इसके नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बातें बता दूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आपको करना है। ठीक, चलो आगे। हो गया क्या? इसमें कुछ एक बातें बता दूं आपको, कल तक के लिए याद रखना है। तो तुमको किसने कहा भरने के लिए? वो तो याद होगा तब भरोगे ना, मेरे को याद था मैंने भर दिया इसको। तुम्हारा खाली इसलिए भर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ओम प्रकाश। चलो एक जरूरी सूचना है कि हमारे क्लास ऑनलाइन हो रहे हैं, आप हमारे क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। और हमारी जो क्लास यहां पे जो चलती है, यहां पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन्हीं क्लास को आप डायरेक्ट लाइव देखेंगे। जो मैं इनको पढ़ाऊंगा वो आपको भी पढ़ाऊंगा। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट आएगा या किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उनके सॉल्यूशन भी होगा, जैसे कि इन स्टूडेंट्स का होता है। सारी बातें उसी तरह से होंगी जो इनके साथ होता है, मतलब सीधी सी बात है, मेरे क्लास का लाइव होगा, अब उस लाइव क्लास में बैठ सकते हैं। 12th की क्लास 6:30 to 7:30 मॉर्निंग, 11th की क्लास 7:30 to 8:30 मॉर्निंग, और ये जो क्लास है इनका टेस्ट भी होगा, वीकली टेस्ट होगा, आपको क्विज भी पूछा जाएगा, एमसीक्यूज भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी ऑनलाइन। तो वो जो है, वो जो क्लासेस है ये लगने वाली है मंडे,
से फ्राइडे तक की, 2 दिन ऑफ रहेगा जिसमें आपको अपने तरह से रिवीजन करना है, तैयारी करना है, और जो क्विज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इस तरफ आपको मिलेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, बहुत सारी बातें आप सीख पाएंगे। और जिस तरह से मेरी क्लासेस अभी तक आपने यूट्यूब में देखे हैं वो क्लासेस रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्डेड क्लास है, और ये लाइव होगा आपके साथ, यानी हम आपसे बात करेंगे, आप किसी तरह का कोई चैटिंग करते, किसी तरह का कुछ पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो हम उसके जवाब आपको क्लास में ज़रूर देंगे, और आप जो चैटिंग करेंगे वो हमारे सामने हमारे स्क्रीन में जरूर दिखाई देगा और उनसे हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो पूरी बातें लाइव होने वाली है, पूरी क्लास लाइव होने वाला है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 9644562030, ये फोन नंबर है, एक ही नंबर है, मैं अलग अलग इसलिए लिखा कि जल्दी से याद हो जाएगा, 9644562030 ये नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर दर्ज करा दें, किस तारीख को स्टार्ट होने वाला है यह आपको सूचना जारी कर दी जाएगी, उस व्हाट्सएप नंबर में आपको भेज दिया जाएगा, क्या फीस लगेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा उसी व्हाट्सएप में। तो फिर हम मिलेंगे लाइव क्लास में। चलो आपको लगे हाथ कुछ बातें बता दूं, एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मैं आपको सिंपल से लाइन बताता हूं, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। धातु, उपधातु और अधातु, ठीक है, धातु, उपधातु, अधातु। सिर्फ आप कौन से एलिमेंट जो है उपधातु है वो जान जाओगे तो बाकी एलिमेंट्स कौन सा है ये बता सकते हो, कौन सा धातु अधातु बता सकते हो, सिर्फ उपधातु को जान जाओ, यानी सिर्फ बीच वाले को जान जाओ तो बता सकते हो कि कौन सा नर है कौन सा नारी है। यस, तो चलिए देखते हैं यहां पर, इसमें भाई इसमें ना उसमें नहीं, तो आपको करना क्या है जरा ध्यान सुनिएगा, ये बोरॉन से बेटा ऐसे बोरॉन से तिरछा चलो, ऐसे ऑब्लिकली आगे बढ़ो डायगोनल फॉर्म में, ये है उपधातु, क्लियर है, तो ये उपधातु है, फिर इसमें से ये भी उपधातु है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कुछ लोग 6 को मानते हैं, कुछ लोग इसको भी मान देते हैं एंटीमनी को, मेटल भी होता है और इसमें मेटलाइट कौन ज्यादा होता है नॉन मेटल की तुलना में। अच्छा पहले बात तो करते हैं, मेटल मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें क्या बोलते हैं मेटलिक लस्टर पाई जाती है, यानी धातु चमक पाई जाती है, जिसको तार बनाया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसमें ऊष्मा यानी हीट आराम से पास हो जाती है, कंडक्ट करती है, तो क्या क्या कंडक्ट करती है, लाइट, सॉरी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो हम क्लियर हो जाता है कि ये धातु है, ठीक है, नहीं तो धातुओं में सबसे बड़ी चीज है धातु चमक होती है, स्पेशल चमक होती है, देखे हो धातु में है ना, एल्यूमिनियम में चमक देखे हो, स्टील में चमक देखे हो, यस वो धातु का गुण है, सोने में चमक देखो, चांदी में चमक देखो, यस तो वो चमक जो होती है वो धातु को बताती है और उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है तब। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखो, अच्छा एक और मैं ज्यादा बताता हूं, उसको ठोकने पर वो टूट जाता है अधातु, लेकिन अधातु जो जो धातु होती है वो चिपट जाती है। तो धातु के 3 महत्वपूर्ण गुण है, विद्युत धारा बहना, धातु चमक होना, उसको तार के रूप में खींचा जा सकता है, पीटने पर वो चिपट जाती है ना कि टूट जाती है, यानी इसको पीसा नहीं जा सकता, धातुओं को पीसा नहीं जा सकता, समझ रहे, पाउडर नहीं बनाया जा सकता, उसको छीला जा सकता है, डस्ट बना जा सकता है, छील करके बारीक छिलन दे सकते हैं, यस। तो जब यहां पर देख रहे हो तो जिसमें दोनों गुण पाया जाता है, जिसमें वो धातु का गुण नहीं पाया जाएगा वो अधातु है, जिसमें धातु का गुण पाया जाएगा वो धातु है, और जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है यानी कि धातु गुण कम पाई जाती है वो उपधातु कहलाता है। तो उपधातु में कौन कौन आया, बोरान वैसे अधातु माना जाता है क्योंकि इसके अधातु गुण ज्यादा है,
लेकिन कुछ जगहों पर इसको उपधातु भी मान लिया जाता है। तो इसे बोरॉन से तिरछे चलो ऐसे, तो क्या हुआ, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, ये उपधातु है। क्लियर हुआ? अब इसको जर्मेनियम भी उपधातु होते हैं, एंटीमनी को भी कुछ हद तक माना जाता है, ओके। लेकिन ये सभी नॉर्मली ये अधातु है, ये धातु है, धातु माना जाता है, मेटल माना जाता है, एंटीमनी को भी मेटल माना जाता है। तो फिलहाल आपको इस पे थोड़े कम इसको वोटिंग मिलेगा, ठीक है। अब चलो मेरी बातें ध्यान से सुन लो, ये जो एलिमेंट है उसके इस तरफ जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सब धातु है। यस, धातु की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, धातु है, धन धन धातु, अधन ऋण है ना, अधन ऋण, तो अधातु निगेटिव। तो उधर वाले उपधातु के उधर वाले अधातु है, उसमें माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इधर की क्षमता है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, धातु की गुण है इलेक्ट्रॉन दान करने की, इसी कारण से विद्युत धारा प्रभावित होती है सर, ठीक ठीक है। तो क्या समझ में आ गई, यहां पे आप समझ लिए, तो धातु अधातु, और इसके क्या गुण हो सकते हैं, धन ऋण दोनों हो सकते हैं, तो ये बाद में बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। फिलहाल क्लियर हो गई, तो आपको एलिमेंट्स को फिल करने आना चाहिए, उसको याद करना पड़ेगा, याद करने का स्टेप मैं अभी बताने वाला हूं जस्ट थोड़ी देर में। लेकिन आपको पता चल गया क्या क्या चीज पता चल गया, पीरियड टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, पीरियड टेबल में जो भाग होते हैं अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर, अलग अलग ग्रुप का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बेस पर किसी भी एलिमेंट के किसी भी पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये P1 है ना, तो देखो कितना होगा, 5P1 लास्ट, क्लियर है, तो क्या हुआ 5s2 5p1, क्लियर हो गया। अब क्या इसका एटॉमिक नंबर ज्ञात करोगे, तब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखोगे, तब तक तो पूरे क्या होने वाला है, समय निकल चुका होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका क्या होगा, P6 है ये ऊपर से, तो कौन सा P6 है, चेक करो 4P6, तो 4P6 मतलब 4S2 4P6, समझ में बातें, उंगली मैंने यहां पे रख दिया, पता नहीं ये दोनों के बीच आ गया, चलो उसको थोड़ा आगे कर लेता हूं या पीछे कर लेता हूं, ये लो ये इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आपको पता, ये कहां से देखो तो 5 नहीं होगा, 4 5 5 -1 4 होगा ना, और ऊपर जाओगे तो D9 4D9, और D में 9 नहीं होती है, तो D1, तो क्या होगा 5, क्या क्या होगा 5S1 4D10। सीखने वाली बात है, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हैं बिल्कुल याद रखिएगा, ये तो अलग बात है बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है आपको। तो सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको खोलिए और उसमें प्रैक्टिस करिए, 2 क्लास प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा सीखेंगे, 3 क्लास 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो दिए हैं, 3 करोगे और अच्छे से सीखोगे। फिर ये भी देख लेना, आप ये नहीं सर क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है, आप बात नहीं सुनते हैं इसलिए गड़बड़ होता है, बात सुनिए जो कह रहे हैं हम लोग, इसलिए नहीं बोलते कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए कि मेरा एक वीडियो चल जाएगा आपसे 5 रुपए कमा लूंगा, आपसे 1 रुपए नहीं कमाऊंगा, लेकिन आपके लिए फायदे वाली बात है ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसे याद करें, कर ले आज मैं S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, देखते कितना टाइमिंग अपने पास है उसके हिसाब से आप करते हैं, ओके चलो। तो इसको याद करेंगे, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा ला, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट। फिर इसके बाद है, स्के टीवी क्रोम ना फी कोने की उजना, ये सर नब मोटक रर पाइस कैट, लाफ्ट एवरियो सिर पटाउस।
इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप देख लीजिए अगर आज ही करना है तो, अन्यथा कल की क्लास में इन्हें याद करना आपको सिखाया जाएगा, तो कल तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें आपकी तरह समझ सकें केमिस्ट्री। और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोज़ है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा। वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए अपलोड होते जा रहे हैं वो आता है, और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए। प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।